नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं आई बिन सेवन। हरियाणा के दिग्गज नेता आए दिनों जनता की चौखट पर पहुंच रहे हैं। भ्रष्टाचार की वजह से जेल जाने वाले ओम प्रकाश चौटाला अपनी कोई सियासी जमीन और सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खराब सेहत को आधार बनाकर मिली जमानत का इन दिनों वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। चौटाला सूबे में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उनके रोड शो पर सियासी दलों और कोर्ट की भी नजर है। ऐसे में तमाम सियासी दल सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या चुनावी जमानत पर हैं चौटाला। हमके तो 2 साल में आपसे मिलना नहीं हो पाया था, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। ये है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का रोड शो। हरे रंग की ये बस खास तौर पर चुनाव प्रचार के लिहाज से ही डिजाइन की गई है। इस लग्जरी बस में ओम प्रकाश चौटाला खुद सफर करते हैं और इस बस के पीछे चलता है गाड़ियों का काफिला। सड़क के किनारे खड़े समर्थक अपने नेता का स्वागत करते हैं और जगह जगह रुककर चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाने की अपील करते हैं। हमके तो 2 साल में आपसे मिलना नहीं हो पाया था, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ और आपको अपने किए हुए वायदे याद कराने आया हूँ। बस इनका कलेश काट दो सरकार, जब MLA तुम जिताओगे तो फिर हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। 3 अक्टूबर को चौटाला ने रोड शो की शुरुआत शाहपुर गाँव से की। 22 महीने बाद इलाके में आए चौटाला को सुनने के लिए खासी भीड़ उमड़ी। सत्ता में आने पर चौटाला सूबे के लोगों की 7 पीढ़ियों का भविष्य संवारने का दावा करते हैं। अब के मुख्यमंत्री फिर बना दे, मैं थारा 7 पीढ़ी का जुगाड़ बिठा दूं। ओम प्रकाश चौटाला इन दिनों जमानत पर बाहर हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हें 10 साल की जेल मिली है। हरियाणा में चुनाव के ऐलान के साथ ही सबकी नजर इस पर लगी थी कि वो चुनाव प्रचार करते हैं या नहीं। भ्रष्टाचार का आरोपी होने के बावजूद चौटाला को जैसा समर्थन मिल रहा है, उससे कांग्रेस को सहानुभूति वोट INLD के खाते में जाने का डर सता रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने चौटाला को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे ओम प्रकाश चौटाला कि भाई मेरी सजा इस वास्ते हो गई है कि मैंने 3200 नौकरी दे दी, जेल इस वास्ते हुई है कि सिलेक्शन तो किसी की हुई और ज्वाइन को करा दिया। 3200 चिराग जले हैं, वैसे ही नहीं जले। पहले जो सिलेक्टिव हुए थे लड़के 3200, उनके चिराग बुझाकर जब 3200 चिराग जले हैं। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चौटाला के तिहाड़ जेल में सरकार बनाने पर चुटकी ली थी। आप मुझे बताइए, आपको सरकार का काम हो तो आप चंडीगढ़ जाना पसंद करेंगे कि तिहाड़ जाना पसंद करेंगे? चंडीगढ़। निर्णय आपके हाथ में है। आपका मुख्यमंत्री तिहाड़ के अंदर शपथ ले उसके सहमत है आप? मित्रों, जात पात में से बाहर निकल जाइए। चौटाला के भ्रष्टाचार और जेल जाने को मुद्दा बनाए जाने के खतरों से पार्टी अनजान नहीं, इसलिए अभय चौटाला इसकी सफाई दे रहे हैं। 10 साल की जेल का जवाब तो ये मेरे से ज्यादा अच्छा देंगे। ये जो यहाँ इतनी संख्या में इकट्ठे होते हैं, इनके मन में अपने नेता के प्रति एक प्यार और लगाव है और इस सरकार के प्रति एक गुस्सा है। ये सारे के सारे इसी बात के लिए इकट्ठा होते हैं कि 15 तारीख जल्दी से आ जाए, ताकि जिन लोगों ने हमारे नेताओं के खिलाफ साजिश रची है हम उनको दंडित करें। खराब सेहत का हवाला देकर जमानत लेने वाले ओम प्रकाश चौटाला सियासी वजूद बचाने की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट की नजर उन पर है। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर पूछा है कि मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर आने वाले चौटाला चुनावी रैलियों को कैसे संबोधित कर रहे हैं। साफ है, कोर्ट की नजर में गुनहगार चौटाला जनता की अदालत में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।